हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछली पीएलसी की वीडियो देख ली होगी। उसमें वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसके लिए कोशिश की गई है कि यहाँ पे ये कमी पूरी की जा सके। और भी इसके ऊपर अभी भी काम चालू है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए और अभी जो इम्पोर्टेंट है कंटेंट पे खास ध्यान दीजिए। पिछली पीएलसी की वीडियो जिन्होंने ना देखी हो पहले वो वीडियो देखें, तो ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, तो आइए देखते हैं। ब्लॉक इनपुट फील्ड डिवाइस प्रोसेस इनपुट मॉड्यूल माइक्रो प्रोसेसर या सीपी मेमोरी आउटपुट मॉड्यूल आउटपुट डिवाइस प्रोसेस प्रोग्रामिंग डिवाइस लास्ट पावर सप्लाई है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट अगर निकाल रहे हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसी पे आगे बढ़ेंगे एक एक कंटेंट्स के बारे में। इनपुट मॉड्यूल क्या चीज है, कितने टाइप के मतलब कितने पॉइंट्स के इनपुट दिए जाते हैं, आउटपुट मॉड्यूल क्या चीज है, कितने पॉइंट के आउटपुट दिए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू क्या चीज है, मेमोरी क्या है, कैसी कैसी इस्तेमाल होती है इसमें, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पावर सप्लाई कैसी दी जाती है, इसके बारे में देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया था इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी फंक्शन आपको रन कराना हो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ कमांड देना जरूरी होता है,
वो कमांड कैसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको वॉशिंग मशीन रन करनी हो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, उसमें पीएलसी का यूज हो, तो वॉशिंग मशीन रन करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन या कमांड आप पहले से डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो वो चीज क्या हो गया, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको इनपुट हो गया उसका। वॉशिंग मशीन रन करने के लिए मान लीजिए आपको 5 पॉइंट तक रन करना है, तो 5 पॉइंट तक आपने रोटेट कर दिया या उसमें 5 पॉइंट फिट कर दिया, वो अपने आप ही कैप्चर कर लेगा कि 5 पॉइंट तक मुझे रन करना है। इसी तरह से इनपुट मॉड्यूल भी दिया जाता है। वो कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा, जनरली बाइनरी नंबर या कंप्यूटर्स हमारे किस पे, सॉरी कंप्यूटर्स वगैरह किस पे रन करते हैं, बाइनरी नंबर्स पे, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे फॉर्मेट पे, सेम एज इट इज। इसमें क्या होता है, ये भी 8, 16, 32 इस फॉर्मेट में इनके इनपुट्स होते हैं, मतलब जो इनपुट टर्मिनल्स बने होंगे वो इस फॉर्मेट में बने होंगे इनपुट्स। ये होते क्या है, मतलब कैसे आप इसको डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा एक पीएलसी का एक पार्ट है, मतलब एक आईसी है, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस बीच में कहीं कुछ लगी हुई है, ये प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, इसका ये हिस्सा इनपुट का हो गया, ये हिस्सा आउटपुट का हो गया, तो बीच में यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट्स बने होते हैं, वैसे यहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं, पिन निकली होती है, जैसे आईसी वगैरह आपने देखी होगी तो उसमें किनारे किनारे पिंस लगनी होते हैं, वैसे ही ये भी काम करता है, वैसे यहाँ पिंस बनी हुई है, तो ये जो पिंस होंगी वो 8, 16, 32 ऐसे फॉर्मेट्स में बनी होंगी, और हर पर्टिकुलर पिन का अपना अपना एक काम होगा, एक कमांड होगा, इसे ही कहा जाता है इनपुट मॉड्यूल। मींस ये कर क्या रही है, ये तो समझ में आ गया इनपुट किस फॉर्मेट में होते हैं, 8, 16, 32 ऐसे फॉर्मेट्स में ये काम करते हैं, तो अगर ये ऐसे का फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो हमने देखा ये किसके किसके बीच, सीपीयू के बीच लगा है, और यहाँ पे क्या लगता, इनपुट फीडबैक डिवाइसेस एटा, तो ये कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसके किसके बीच में कर रही थी, डिवाइसेस या पीएलसी के बीच में और सीपीयू के बीच में, तो सेम एज इट इज कह सकते हैं दैट इंटरफेस बिटवीन किसके किसके बीच में, सीपीयू या इनपुट्स एंड सीपीयू डाल दीजिए या प्रोसेसर यहाँ पे डालेंगे तो भी काम करेगा, इनपुट एंड प्रोसेसर के बीच में ये इंटरफेसिंग का काम करती है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है। वैसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल दिख रहा है आपको, जैसा वहां पर हुआ था वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आउटपुट फील्ड और डिवाइस और डिवाइस प्रोसेस, ये चीजें क्या है, ये तीन बार क्यों दिख रहा है, यहाँ से तो एक ही आ रहा है, तीन आगे क्यों बढ़ जा रहा है। आप उनको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो विजुअल ऑपरेशंस होते हैं, कि आपको दिखते रहे कि हम कर क्या रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस के लिए आउटपुट फील्ड में आपका सप्लाई, यहाँ से जो भी आप कमांड दे रहे हो वो आके मशीन्स को हमारे मिल रहा है, उस कमांड जा रहा है आउटपुट फील्ड से, हो क्या रहा है उसके ऊपर, उस कमांड के थ्रू जो कारण हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए रोटेशन का आपने डाला, वॉशिंग मशीन की रोटेशन या स्पिन का आपने डाला, तो स्पिन कमांड किससे दिया, आउटपुट फील्ड से, लेकिन स्पिन होता हुआ दिखेगा किससे, एक स्क्रीन वगैरह लगा रखी होगी आपने, सीआरटी लगा रखी होगी, कुछ ना कुछ लगा रखा होगा, तो उसके थ्रू आपको दिख रहा है डिवाइस प्रोसेस। डिवाइस एक सप्लाई है, एक एक्स्ट्रा कमांड आपको साथ में देने की जरूरत होती है, जो कमांड मान लीजिए आपका रन करते करते कुछ फेल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके साथ साथ एक बैकअप प्लान या डिवाइस के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा आउटपुट देते हुए साथ में चलते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आपका ये पेन है, इसमें से कैप को अलग करना है ऑटोमेटिकली, तो एक कमांड आप इसके हिस्से पे देंगे, एक हिस्से हिस्से पे देंगे, एक आउटपुट फील्ड इसके लिए हो गया, एक इसके लिए, तो इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट,
सेम प्रोसेस है, आउटपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल दोनों एज इट इज सेम है। तो कह सकते हैं इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल के सेम है। आप नोट करना चाहें दोबारा नोट कर लीजिएगा, नहीं तो किसी जगह डाल लीजिएगा आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल में सेम एज इट इज, इसमें भी समझिएगा 8, 16, 32 जो इनपुट्स में है वैसे ही आउटपुट में भी 8, 16, 32 के फॉर्मेट में ही ये चलेंगे। तो अगर 8 का इनपुट है तो यहाँ आउटपुट कितने का होगा 8 का, 16 का इनपुट है तो यहाँ कितना का होगा 16 का, 32 का है तो कितने का होगा 32 का। इस तरह से इसके आउटपुट मॉड्यूल भी काम करते हैं, मतलब 8, 16, 32 ऐसे फॉर्मेट में इसके आउटपुट्स भी क्या करेंगे काम करेंगे। अगर ये ऐसे फॉर्मेट में काम कर रहे हैं तो सेम ऐसे के जितना यहाँ लिखा है उतने यहाँ पे भी आप नोट कर लीजिएगा। इट इज इलेक्ट्रिकल, बस वहां पे क्या हो जाएगा यहाँ सीपीयू और इनपुट के बीच का, अब वहां पे क्या हो जाएगा सीपीयू और आउटपुट के बीच हो जाएगा, सीपीयू और आउटपुट के बीच हो जाएगा। बस यहाँ इसको चेंज कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलता है आपको, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है तो इसको हम थोड़ा सा और रख करते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर कई जगह पे यहाँ पे केवल प्रोसेसर लिखा मिलेगा तो वहां माइक्रो अपने आप आप समझ लीजिएगा या प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू दोनों ही कहा जाएगा। तो आप अपने आप इसको समझना है कि हम बात किसकी हो रही, कौन से प्रोसेसर की बात हो रही, माइक्रो प्रोसेसर ही लगेगा। अब पूछा जाता है इसमें किस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर रन करते हैं, तो मॉडल ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा याद करने वाला है, इसके लिए कोई खास ट्रिक वगैरह नहीं है। जब 86 286 386 486 6800 9900, ये कुछ मॉडल्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के जिस पे ये पीएलसी रन करती है। कैसे मॉडल्स हैं, Z86, Z86, Z286, Z386, Z486, Z6800, Z9900, ये कुछ मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हमारी पीएलसी रन करती है। इन माइक्रो प्रोसेसर की इनको याद करना चाहिए आप याद कर लीजिए, नहीं तो सिंपल एक नंबर 86 याद कर लीजिए, वो इसके साथ भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा है, सॉरी यहाँ भी 80 ही है, इसको 80 कर लीजिएगा, 80 86 86 286 286, इस तरह से सभी याद कर लीजिएगा। सब लोगों केवल ये अलग हो जा रहा है 9900। तो फिलहाल ऐसे ही पूछा हुआ मॉडल है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा कौन सा पीएलसी का नहीं है, तो उसमें से आप पहचान सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर के पीछे हमने लिख रखा था मेमोरी के बारे में, मेमोरी। अब आप जानते हैं कितने टाइप की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सभी जानते हैं, तो यहाँ पे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के टर्म्स में नहीं पढ़ रहे हैं, हम रैम और रोम के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। जनरली कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो रोम किस टाइप की मेमोरी के लिए यूज होता है, जिसमें पहले से प्री डिसाइडेड इंस्ट्रक्शंस हों। क्या कहा मैंने फिर से,
रैम किस टाइप की मेमोरी के लिए यूज होता है, जिसमें पहले से प्री डिसाइडेड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हों। मतलब मेमोरी का दो पार्ट, पहला पार्ट जिसमें सिस्टम के एप्लीकेशंस, सिस्टम एप्लीकेशंस जिनमें स्टोर हो वो कौन सी मेमोरी होती है। अब रैम में कैसी होती है, जो आप कमांड काम करते हैं या जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं वो सब मेमोरी किसमें जाती है, रैम के अंदर जाती है नहीं। तो सेम एक्सरसाइज यहाँ पर, वहां पर जब काम करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रैम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसमें रन किए जाएंगे, रैम के अंदर। मीन्स मेमोरी दो टाइप की आपको मिल गई इसके अंदर, रोम रैम। रोम में कैसा फंक्शंस होंगे, जो सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं, उनके इंस्ट्रक्शन सेट हैं, वो सब इसमें पहले से प्री डिसाइडेड होंगे तो रोम में आएंगे। अब आगे देखते हैं क्या कहा मैंने, मेमोरी लेना रोम रैम हो गए, माइक्रो प्रोसेसर ये हो गया। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ था, प्रोग्रामिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये तीन टाइप्स की प्रोग्रामिंग डिवाइसेस होती हैं। कितनी, तीन टाइप की। पहला हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस, तीसरा पर्सनल कंप्यूटर क्या कहा मैंने, तीन टाइप्स मैंने बताए। कौन कौन से, सबसे पहला है प्रोग्रामिंग डिवाइस जो कि हैंड है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस, नाम में देखिएगा हाथ में जिसे आसानी से लिया जा सके, ऐसी प्रोग्रामिंग डिवाइस जिसको हम हाथ में अपने कैरी कर सकें। लाइक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अक्सर अपने घर में मीटर रीडर लोगों को देखा होगा, जो मीटर रीड करने आते हैं आपके घर में, वो अपने हाथ में एक छोटी सी मशीन लिए होते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डालते हैं, कमांड डालते हैं, यूनिट भरते हैं और आपको बिल काट करके, पर्चा काट करके दे देते हैं, देखा होगा। वो भी एक टाइप की पीएलसी है, वो भी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो कि पहले से, मतलब हैंड कैरी है, मतलब छोटी सी है, हैंड में आसानी से कैरी हो जा रही है, तो वो कैसी डिवाइस है, हैंड हैंड प्रोग्रामिंग डिवाइस है। दूसरी मैंने कहा इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस, नाम में आ गया इंडस्ट्री, तो मतलब बड़ी जगह पे, बड़ी इंडस्ट्रीज में या ऐसे स्पेसेस में जहां इसको बार बार कैरी ना किया जा सके या एक जगह फिक्स कर दे तो वो वहीं पे बैठे पड़ी रहे, ऐसी डिवाइसेस इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस में आती है। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप भी आ सकता है, आपका डेस्कटॉप भी आ सकता है, ऐसे कंप्यूटर्स जिसके सहायता से बैठे, कहीं पे भी बैठ के, कभी भी किसी भी जगह पे आप अपना प्रोग्राम वगैरह रन कर सकें। वो किसमें आएंगे,
पर्सनल कंप्यूटर्स में। आगे देखते हैं क्या बचा था, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, अब आप लोग जनरली जानते हैं ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे मॉडल चिप लगे हों, आईसी लगे हों, क्या इसको अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई में डायरेक्ट डाल दें क्या काम कर जाएगा? नहीं करता। ये सब छोटी वायर पावर सप्लाई, ये सब काम करने वाले इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इनके लिए छोटी और मतलब कम पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो कम के लिए अब करें क्या, पहले ये सोचिएगा अगर हम एसी पे रन करती है तो क्या आसानी से रन करेगी? नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको रन करने के लिए डीसी की जरूरत होगी। डीसी जब लगाएंगे तो वहां पे पहले से सप्लाई को देने के लिए मतलब हमें रन करने के लिए सिस्टम में कहीं ना कहीं से हम एसी तो इंटर देंगे ना, एसी हम इंटर देंगे, सप्लाई के जाने के बाद बदलेगी और हमारे सिस्टम को कैसी मिलेगी? डीसी मिलेगी। तो पावर सप्लाई एक्चुअल में है क्या? एक तरह का रेक्टिफायर, बस यही समझना था। इसका मतलब है जो पावर सप्लाई होती है वो कैसी होती है? रेक्टिफायर। तो पावर सप्लाई कैसी है वहां पे? रेक्टिफायर है। अब क्या डीसी बदलते हैं एक बार में प्योर डीसी या एकदम स्मूथ डीसी मिल जाती है? क्या एक बार में पावर सप्लाई चालू हो जाती है? नहीं, मींस वो डीसी इनपुट उसको कुछ ना कुछ स्मूथ करने की जरूरत होती है। वो क्या समझिएगा, तो उसके लिए हमें फिल्टर्स की जरूरत होती है। किसी फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया, क्या हम जितनी भी सप्लाई देना चाहे दे दें? नहीं, तो बचेगा क्या? रेगुलेटर। पूछा जाता है पावर सप्लाई कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीजों का? रेक्टिफायर, फिल्टर्स एंड रेगुलेटर। कितनी चीजों का? रेक्टिफायर, फिल्टर्स एंड रेगुलेटर का। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो अब आपको पीएलसी समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पीएलसी के बारे में, पीएलसी के कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फंक्शंस ऑफ पीएलसी, पीएलसी किस किस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है? जैसे कि पहला अर्थमेटिक, जितने भी टाइप के ऑपरेशन होते हैं वो सारे ही पीएलसी क्या कर सकती है? परफॉर्म कर सकती है। उनके कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर इसी में समझने के लिए लिख रहा हूं तो इसी के नीचे डाल लीजिएगा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? आपने लॉजिक डिवाइस देखी होगी लाइक एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशंस को भी ये क्या कर सकती है? परफॉर्म कर सकती है। तो इसी के नीचे ब्रैकेट में आप अपना डाल के लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा एंड और नॉर नॉट इस तरह से। लॉजिकल के बाद आता है कंट्रोल रिलीज, कंट्रोल रिले का फंक्शन तो आप जानते हैं, तो सेम एज इट इज ये भी रिले का ही काम करती है पीएलसी। तो कंट्रोल रिले सेम एज इट इज, इसी तरह से कंट्रोल रिले
काउंटर, काउंटर रिले, इसका भी काम करती है पीएलसी। अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, कंट्रोल हो गया, काउंटर हो गया, एनालॉग, एनालॉग ऑपरेशंस। ये घड़ी रन कर रही है, एनालॉग है कि डिजिटल है? ये घड़ी रन कर रही है, एनालॉग है कि डिजिटल है? ये एनालॉग है। ऐसे फंक्शंस, ऐसे ऑपरेशंस जो इंस्ट्रक्शंस दें, मतलब आपको इंडिकेशन दें और समझना आपको खुद से पड़े, तो वहां पे होता है एनालॉग ऑपरेशन। और जहां पे वो पूरा पूरा डिस्क्राइब करके आपको पॉइंट्स या नंबर्स में शो कर दे कि कितनी वैल्यू शो कर रहा है या ऐसा बन रहा है, तो वहां पे होता है आपका डिजिटल ऑपरेशन। मैंने क्या कहा, अगर आपका रिजल्ट आपको एज ए डिजिट या डिजिट के नंबर के तौर पे मिल जाए, तो वहां होता है डिजिटल ऑपरेशन। और अगर आपका फंक्शन, आपका रिजल्ट आपको इंडिकेशन के तौर पे मिले और समझना आपको खुद से पड़े, तो वहां पे होता है एनालॉग ऑपरेशन। अब ये घड़ी रन कर रही है तो इसमें कांटे घूम रहे हैं, आवर एंड सेकेंड एंड, ये घूम रहा है, घूम के जिस जगह रुका हुआ है हमें खुद से समझना है कि कितना बजा हुआ है इसमें। तो ये होता है एनालॉग इंस्ट्रक्शंस। तो ये एनालॉग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में भी क्या होती है, अच्छी होती है। चलिए अब आगे देखेंगे फंक्शंस ऑफ पीएलसी के बाद नेक्स्ट आएगा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पीएलसी के बारे में पूछे जाते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज वगैरह पे आएंगे कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज पे ये रन करते हैं। अभी हम इसको ये छोड़ते हैं, हम पहले देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या ऐसे टर्म्स जो पीएलसी से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अब देखेंगे जनरल टर्म्स ऑफ पीएलसी, ऐसे जनरल टर्म्स जो खास हैं और पूछे जाते हैं, मतलब उनकी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख देगा, पूछेगा ये कमांड या ये क्या चीज बता रहा है पीएलसी के अंदर। लाइक देखते हैं जनरल टर्म्स यूज्ड इन पीएलसी, पीएलसी में यूज होने वाले कुछ जनरल टर्म्स। लाइक पहला हमने कह दिया डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग की बात कर दी हमने। डाउनलोडिंग क्या चीज है समझिएगा, यहाँ पे किसी चीज को, मतलब किसी क्लाउड से या किसी सर्वर से हमें अपने काम की चीज को वहां से उठा लेना, निकाल लेना, हमें क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, किसी सर्वर, किसी क्लाउड के थ्रू हमें अपने काम, हमारी यूटिलिटीज की चीजों को वहां से ले लेना, वहां से निकाल लेना, क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। इसका जस्ट अपोजिट होता है अपलोडिंग। आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख देगा, लाइक ऐसे समझ लीजिए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर यूटिलिटीज, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर यूटिलिटीज कैन get from any server or cloud is known as। मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन मिला आपको, इतना लंबा चौड़ा उसमें लिख के दिया हुआ है और पूछ ली ये है क्या,
डैश करके चार ऑप्शंस बना देगा, डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग है, समथिंग समथिंग आप पहचानिए। तो सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन ही समझनी है, इसकी कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, इसमें से आपको अपने काम की चीजें ढूंढनी है। जैसे कि असेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ तो इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ऑफ यूज जो आपकी जरूरत का हो, कैन गेट फ्रॉम, जिसे पाया जा सकता है फ्रॉम एनी सर्वर, किसी सर्वर या क्लाउड से। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहीं क्लाउड से या सर्वर से हम अपनी चीजें निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, डाउनलोड कर रहे हैं। आप सबने पिक्चर तो बहुत डाउनलोड करी होगी, मतलब क्या है कि मोबाइल पे वो किसी ना किसी सर्वर क्लाउड वगैरह पे पड़ी हुई है, उसमें से आपकी यूटिलिटी क्या थी, उस समय आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो आपने पिक्चर को ढूंढा और निकाल दिया। तो वही जो आपने निकाला, मतलब आपकी यूटिलिटी, आपके इंस्ट्रक्शंस जो आपको जरूरत के थे वो आपने पा लिए कहीं से, तो वो क्या है, डाउनलोडिंग। जस्ट अपोजिट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब निकालने की जगह क्या हो जाएगा, अपलोड करना, देना। हमें जो हमारे काम करना हो, ये काम का हो और दूसरे के भी काम का हो, तो हम उसे किसी सर्वर या क्लाउड पे या किसी के साथ शेयर करने को हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। अपनी यूटिलिटीज की चीजों या अनयूटिलिटी की, मतलब जो हमारे काम की है तो भी, नहीं है तो भी, अगर हम वो किसी चीज के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, अपलोडिंग। लाइक हमने यहाँ वीडियो बनाया, ये लेक्चर बनाया, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ साथ, मतलब हमारे काम का तो है ही है, लेकिन आपके काम का है, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने इसको नेट या सर्वर पे, यूट्यूब पे हमने क्या किया, इसको अपलोड कर दिया, तब आप वहां से देख पा रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा, अपलोडिंग। जस्ट मुझे इसका पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ खास नहीं है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग ये तो आप सब जनरली जानते हैं। नेक्स्ट है रन मोड, रन मोड इसको समझिएगा, ये शायद पिछले साल ये पूछा भी हुआ है, एक ऐसे प्रोग्राम या ऐसे कमांड है, मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू जब से पीएलसी के अंदर प्रोग्राम एंटर करता है, तब से लेकर के उसके प्रोसेस होने तक के जितना टाइम होता है, वो क्या कहलाता है, रन मोड। एक बार फिर से क्या कहा, रन मोड, इसको लिख लीजिए, इट अलाउज, इट अलाउ यू टू परफॉर्म, ये आपको परफॉर्म करने देता है, क्या परफॉर्म, प्रोग्राम, प्रोग्राम फ्रॉम, प्रोग्राम को परफॉर्म करने देता है, कब से, जब से इंस्ट्रक्शन मिले, फ्रॉम एंट्री, एंट्री टू इट्स प्रोसेस। लाइक थोड़ा समझ दिया जाए, मैंने कहा अगर कोई प्रोग्राम है, अगर वो रन कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लीजिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपने जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया, क्या आप जो आपसे पूछेगी कि हम अब नाचना चालू करें या कपड़े धोना चालू करें, नहीं ना, इंस्ट्रक्शन उसको मिल चुका है, तो एंट्री से लेकर के जब से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो उसके बाद से जब तक उसका प्रोसेस हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, मशीन चल रही, चालू है, मशीन चालू है, मींस मशीन रन मोड में होता है। तो वैसे ही एंट्री से लेके प्रोसेस तक के पूरे प्रोसीजर को या इस पूरे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, रन मोड में काम करना। क्लियर हो गया, आगे समझते हैं, प्रोसेस स्कैन,
अब क्या मतलब स्कैन का मतलब क्या होता है? आप सब ने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर किए होंगे, लाइक कई बार अपना मार्कशीट वगैरह स्कैन करके अपने नेट पे रखा होगा, कई बार किसी की फोटो कॉपी वगैरह कराई होगी किसी कार्डबोर्ड वगैरह की। तो वो क्या करता है, पहले स्कैन करता है फिर उसके बाद उसका प्रिंट निकालता है, करता है। तो यही हिस्सा, यही चीज़ क्या कहलाता है, प्रोसेस स्कैन। मतलब क्या हुआ कि उसका जो फंक्शन है, जो परफॉर्मेंस हो रही है, ये कितनी देर में हो रहा है उस या किस तरह से हो रहा है, इसको हम देखना, उसको समझना, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस स्कैन। सेम प्रोसीजर में नेक्स्ट टर्म आता है प्रोग्राम स्कैन। प्रोग्राम स्कैन, अब दोनों में थोड़ा सा फर्क है, प्रोसेस स्कैन और प्रोग्राम स्कैन में। इसमें बात हो रही है कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है, और इसमें बात हो रही है कि किस फंक्शन के थ्रू काम कर रहा है। लाइक मैंने कहा एडिशन करिए, मैंने कहा दो और दो को जोड़िए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, चार। तो प्रोसेस क्या हो गया, ऐड करना है, लेकिन प्रोग्राम क्या हो गया, दोनों का एडिशन। बात तो एक ही लग रही है सुनने में, ऐसे समझते हैं। फोर और यहां पे आपको मिला हुआ है प्लस माइनस टू, ये इनपुट आपने दिया, आउटपुट पे आपको मिला प्लस और माइनस टू। प्रोसेस करके उसने दे दिया आपको प्लस माइनस टू। अब आपको समझना है ये किस कारण से ऐसा मिल सकता है, स्क्वायर रूट। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दें इसका, तो ये प्लस माइनस टू के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका जो प्रोग्राम हुआ, जो प्रोग्राम हुआ वो क्या है, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम है। उसकी जो प्रोग्रामिंग है किस चीज की है, स्क्वायर रूट की। और ऑपरेशन ये क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ही तो कर रहा है ऑपरेशन। ऑपरेशन और प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है, अभी इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। जब हम अभी इंस्ट्रक्शन सेट के लैंग्वेज में आएंगे तो वहां पे एक कमांड आता है, जैसे मान लीजिए आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा लॉजिक गेट में, क्या चीज, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या कहता है, एंड ऑपरेशन मल्टीप्लाई करता है, मतलब 1 × 1 = 1, यही है एंड ऑपरेशन। 1 × 0 = 0, एंड ऑपरेशन यही है ना, मल्टीप्लाई करना। तो अब ये कमांड तो है मल्टीप्लीकेशन का, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन कैसा है, एंड है। दोनों चीजें फर्क हो गया कि नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ एंड है। तो वैसे ही प्रोसेस और स्कैन में, प्रोग्राम और स्कैन में थोड़ा सा फर्क है। जो परफॉर्मेंस कर रहा है ये यहाँ से करके यहाँ तक आपको दे दिया है, ये इसका प्रोसेस है। वो कैसे किया वो आपको नहीं पता, लेकिन इतना करके दिया ये आपको पता है, तो ये आपका प्रोसेस है। लेकिन अब आप उसके प्रोग्राम को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये इसके स्क्वायर रूट अगर होता तो यहाँ तक प्लस माइनस टू मिल जाता, ये इसका प्रोग्राम है। क्लियर है, प्रोग्राम स्कैन और प्रोसेस स्कैन। नेक्स्ट आता है वॉच डॉग टाइमर। वॉच डॉग टाइमर ये क्या है, इतने स्कैनिंग होने में पीएलसी के अंदर स्कैनिंग प्रोसेस परफॉर्म करने में जितना भी समय लगता है वो क्या कहलाता है, वॉच डॉग टाइम। क्या कहलाता है, वॉच डॉग टाइम। मैंने क्या कहा, होल स्कैनिंग प्रोसेस, जो भी स्कैनिंग प्रोसेस हो रहा है, होल स्कैनिंग प्रोसेस दैट परफॉर्म्स इन पीएलसी इज कॉल्ड वॉच टाइम। क्या कहलाती है, वॉच डॉग टाइम कहलाती है। आगे देखते हैं, डिन
रिंग। डिनरी, डी आई एन आर ए आई एन, डिनरी। अब मान लीजिए यहीं पे बना लेते हैं, ये आपकी पीएनसी प्लेट है जिसमें एक आईसी लगी हुई है, ऐसे ही पॉइंट होते हैं उसमें जिसमें एक आईसी लगी हुई है। अब इस आईसी को आपको यहां से रिमूव करना है, ये खराब हो गई है, रिप्लेस करना है इसको। अभी थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस दे रही है लेकिन एग्जैक्ट अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, तो क्या करें, हम इसको हटाएंगे। हटाने के लिए जब अगर हम इसको पूरा निकाल देंगे तो पूरा पूरा परफॉर्मेंस एक साथ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे समय पे हमें मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए डिन रेल का इस्तेमाल करना होता है। ये क्या होती है, रेल शब्द आ गया, रेलगाड़ी किस पे चलती है, ट्रैक्स पे, पटरियों पे। सेम ऐसे इस यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक पटरी बनाएंगे। हमने इनकी जो पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे निकाल के एक एक्स्ट्रा पटरी बना दी, ट्रैक बना दिया। इनके पॉइंट्स जहाँ कनेक्टेड थे उन पॉइंट्स को निकाल करके मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, ट्रैक बना दिया, ट्रैक, रेलवे ट्रैक। अब उससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस हमें यहाँ देनी थी, हमें इसको निकालना था, तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब हम इस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये निकल जाएगा तब तक ये परफॉर्मेंस देता रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या ये अभी भी यहाँ पे हमेशा लगा रहेगा, नहीं। अगर हमने किसी चीज पर ट्रैक लगा करके बाहर किया है तो ये हमेशा परेशान करेगा कि नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इक्विपमेंट का डिब्बा था, डिब्बे के अंदर बंद था, तो डिब्बे के बाहर निकल आया ना, ये नहीं चल सकता था तब। तो ये ट्रैक जो हमने बना रखी है इसीलिए बना रखी है कि हम आसानी से अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकें। कैसे, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की बात हुई। अब हम इस पुरानी आईसी को यहाँ से निकाल लेंगे और नई आईसी को उठा करके यहाँ लगा लेंगे। जब हम इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे तो वापस हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, हट गया, क्लियर है। इसे क्या कहा जाता है, डिन रे, मतलब कि इसको फिर से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहा, डिन रे। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म किसके परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्म मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट डिवाइसेस। ये एक तरह की रेलवे ट्रैक होती है जिसका काम किसी भी डिवाइस के रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया, अभी आपको क्लियर होगा कि डिन रेल क्या चीज है। ऐसे आपको ये टर्म्स ऐसे नहीं पूछे जाते, पूछा कैसे जाएगा, ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा, पूछेगा ऑप्शन दे करके इसमें से ये कौन क्या चीज डिफाइन कर रहा है, डिन रेल को डिफाइन कर रहा है, रन मोड को डिफाइन कर रहा है, प्रोसेस स्कैन को डिफाइन कर रहा है, समथिंग कंप्लीट इस तरह से पूछता है। अब इसी में देख लीजिए, इसको ऐसे इतना लंबा चौड़ा लिख के दे दे तो आप अपने आप समझ क्या कि रन मोड है, नहीं समझ पाएंगे। क्या है परफॉर्मेंस में, अपने आप पढ़ के समझिए कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है, किसी तरह के प्रोग्राम के परफॉर्मेंस की बात हो रही है। वो कब से कब तक, जब से एंट्री हो रही है तब से प्रोसेस तक ये काम करने के लिए पूछ रहा है, रन मोड में होगा, ऐसे ही समझना है।
आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे चेंजेस के बारे में। चेंजेस, अब आप लोग गाड़ियों में मत चले जाइएगा, गाड़ी के अंदर चेंजेस वगैरह नाम सुनते हैं, तो यहाँ गाड़ी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पीएलसी की। तो पीएलसी में चेंजेस का काम क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स को देना। इट इज यूज्ड टू सेंड कंट्रोल सिग्नल, किसको देंगे कंट्रोल सिग्नल, बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। मतलब समझिएगा, आपने देखा था ये वायर हमने ऐसे से बना रखी है, मतलब इनपुट साइड से लिया सीपीयू पे गया, सीपीयू से लिया आउटपुट पे गया, ऐसा कुछ बना रखा था। तो सेम एज इट इज जो यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जो इंस्ट्रक्शंस पहुंचा रहा है वो काम कौन कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। कौन कर रहा है, चेंजेस। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स को सीपीयू या सीपीयू से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल तक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है। आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बॉड रेट। बॉड रेट ये क्या चीज है, आपने सब मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये जानते हैं, जहां पे भी रेट आ जाता है वहां मतलब दर, उस कितनी तेजी से काम कर रहा है, रेट का मतलब ये होता है। तो वैसे ही जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो किस में काम कर रहे होते हैं, बाइनरी नंबर्स में। ऑल सिग्नल्स आर इन बाइनरी नंबर, सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो बाइनरी नंबर में होते हैं। तो बाइनरी नंबर को डिफाइन करने, उसकी दर को डिफाइन करने के लिए क्या स्पीड वगैरह दी जाती है, बिट पर सेकंड। क्या दी जाती है, बिट पर सेकंड। अरे दर हो गया समय, कितने समय में एक सेकंड के अंदर कितने बिट जा रहे हैं, यही क्या होता है, बॉड रेट। तो इसी चीज को सेम लिख लेते हैं, ऑल सिग्नल्स आर इन बाइनरी नंबर्स एंड बॉड रेट क्या है, बॉड रेट भी एक नंबर है, मतलब जो भी हमने कह दिया फाइव बिट पर सेकेंड, तो ये भी एक नंबर है ना, सेम एज बॉड रेट इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इन बिट पर सेकेंड। बॉड रेट क्या पता चल गया, एक ऐसा नंबर जो कि डेटा को ट्रांसफर करने में कितने समय में, मतलब कितने सेकंड में कितने बिट्स को ट्रांसफर कर रहा है, ये कौन बता रहा है, बॉड रेट। बॉड रेट इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इन बिट पर सेकंड। सिंपल आपसे ये भी ना ले और केवल बिट पर सेकंड ही हटा, ऐसे ही पूछ ले ट्रांसफरिंग डाटा इन बिट पर सेकंड या ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड
मतलब जो डेटा है उसका ट्रांसफर जो हो रहा है वो क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है? बॉड रेट। क्लियर हो गया? बॉड रेट इज द नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इन बिट पर सेकंड। अभी हमने फंक्शंस देखे थे, एनालॉग कंट्रोल, ये सब आया था ना, एनालॉग कंट्रोल रिले, कंट्रोल फंक्शन, काउंटर फंक्शंस, लॉजिक फंक्शंस, अरिथमेटिक फंक्शंस, इससे पहले देखा था। तो वैसे ये एक आता है रिटेंटिव, रिटेंटिव फंक्शंस, ये भी एक फंक्शन है। इसमें ये पूछा गया है कि ये फंक्शन पावर सप्लाई के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, पावर सप्लाई के साथ किस प्रकार से ये कनेक्टेड होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी हुआ है ये एक बार। तो ये जब भी पावर सप्लाई, मतलब जब तक आपके पास पावर सप्लाई है तब तक ये आपके साथ काम करेगा। और पहली क्लास का अगर आपको याद हो तो पहली क्लास में मैंने बताया था एडवांटेज डिसएडवांटेज जब लिखवा रहे थे तो वहाँ बताया था फेल सेफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या था, जैसे ही पावर सप्लाई गई वो क्या हो जाएगा, मशीन चल रही थी, चलते चलते पावर कट गया, सप्लाई कट गई, क्या आगे परफॉर्म करेगी, वही रुक जाएगी जैसे भी थी, होगा यही कहलाता है फेल सेफ ऑपरेशन। और रिटेंटिव फंक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, ये पावर लॉस होने पर, पावर सप्लाई जाने पर ये फंक्शंस गायब हो जाते हैं। दिस फंक्शंस फंक्शंस इज लॉस्ट विथ पावर लॉस। ये फंक्शंस पावर लॉस होने के साथ साथ गायब हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब मान लीजिए आपने परफॉर्मेंस के लिए क्या किया था, दो एडिशन परफॉर्म करिए, एक फंक्शन है ए प्लस बी और जो भी आंसर आए वो सी में जाए और यहाँ से सी प्लस डी बराबर ई में जाए। दो परफॉर्मेंस था, आपने इनपुट दे दिया एक, आपने दो नंबर दे दिया, यहाँ पे तीन दे दिया, इसका चार दे दिया, फिर तो हमने कर दिया। लेकिन सप्लाई चालू करी, ए प्लस बी परफॉर्म होके आपको यहाँ फाइव तो मिल गया, लेकिन तभी लाइट चली गई, लाइट चली गई। क्या लाइट आने के बाद ये दोबारा वही स्टैंड होगा? नहीं, रिटेंटिव फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पावर लॉस होने के बाद, मतलब वहां पे सप्लाई कट जाने के बाद ये अपने फंक्शंस को खो देते हैं। कह सकते हैं जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है आपकी रैम, जैसे ही कंप्यूटर आपका रन कर रहा है यहाँ तक और यूपीएस ना लगाओ, लाइट जाते ही जो भी काम उसमें कर रहा होता है सब बंद हो जाता है, सेव नहीं हो पाता। वो कहाँ होता है, रैम के अंदर। वैसे ही काम कुछ इसका भी है। अगर क्लियर हो तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस इन पीएलसी, पीएलसी में यूज होने वाली लैंग्वेजेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी हुई है, तो इसको खास ध्यान दीजिएगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।